देश में नोटबंदी के चौथे साल पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। नोटबंदी के चार साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने नोटबंदी को देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम से खास बातचीत की संवाददाता वैभव शिव पांडे ने। वर्षगांठ पर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस वक्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी। नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ को आप लोग विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्यों? केंद्र में बैठी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय मोदी जी ने 13 नवंबर 2016 को गोवा के रैली में कहा था, मुझे 50 दिनों का अवसर दीजिए, 50 दिनों में अगर नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तो मुझे जिस चौक चौराहे में खड़े करके जो सजा देना चाहो देने भुगतने के लिए तैयार हूँ। मगर आज हम देखते हैं नोटबंदी के कारण जो मोदी साहब ने कहा था, वादा था 80 लाख करोड़ के काले धन वापस आएंगे और 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा होंगे, मगर आज देखते हैं नोटबंदी के कारण लोगों का रोजगार छिन गया है। नोटबंदी भारत के इतिहास में संगठित सबसे बड़ा घोटाला था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने 500 और 1000 के नोटों की बदली करके संगठित अपराध किया है, तो कहीं ना कहीं मोदी साहब को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको लग रहा है कि जो है नोटबंदी से काला धन भी नहीं आया, आतंकवाद और नक्सलवाद पे लगाम भी नहीं लगा? स्वाभाविक है, जो चार बड़े वादे किए थे कि नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, जो नकली करेंसी है वो खत्म होगा, मगर जो चार पांच बड़े बड़े वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी जो उन्होंने लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इसी से आपसे हम कह सकते हैं कि देश की जनता मोदी जी के जो नोटबंदी के कारण परेशान थे, जिससे 100 से अधिक लोगों की अपना खुद का पैसा निकालने के लिए लाइन में लगने के कारण मौत हो गई थी। आज GDP -2% उस समय नोटबंदी के समय गई थी और आज -23% GDP। कहीं न कहीं केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जिम्मेदारी है, इसलिए हम विश्वासघात दिवस के रूप में आज के दिन को हम मना रहे हैं और केंद्र की बैठी मोदी सरकार की हम निंदा कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मोहन मरकाम का सीधे तौर पर यह आरोप है कि नोटबंदी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था और इससे सिर्फ और सिर्फ देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ वैभव सुपांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।